बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती हैं मॉडल संगीता बिजलानी, जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई तो वहीं बॉलीवुड में भी। आज के दौर में संगीता बिजलानी भले ही 60 साल की हो चुकी हैं लेकिन फिर भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक्ट्रेस और मॉडल संगीता बिजलानी आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। 9 जुलाई साल 1960 में संगीता बिजलानी का जन्म हुआ था। वहीं आज संगीता हो चुकी हैं पूरे 60 साल की। ऐसे में अगर बात की जाए संगीता के बारे में, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चलते काफ़ी सुर्खियां बटोरी। आज भले ही संगीता बिजलानी इतनी उम्र की हो गई हों लेकिन खूबसूरती आज भी बरकरार है, आज भी लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं संगीता बिजलानी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में। संगीता ने अपने मॉडलिंग और करियर की शुरुआत जब की थी तभी से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। 16 साल की उम्र में संगीता मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि संगीता ने 16 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। जी हां, साल 1980 में संगीता ने मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर लिया और संगीता ने ग्लैमरस लुक और अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी के दिलों पर राज किया। मॉडलिंग के दिनों में संगीता बिजली के नाम से पुकारी जाती थी। जी हाँ, मॉडलिंग के दिनों में संगीता को बिजली कहकर पुकारा जाता था। वहीं इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था फिल्म कातिल के जरिए। जहाँ एक और संगीता प्रोफेशनल लाइफ के चलते लाइमलाइट में बनी हुई थी तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी। एक वक्त ऐसा भी आया जब संगीता बिजलानी और बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में जोरों शोरों से हुआ करते थे। इन दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंच गया था लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और ये रिश्ता टूट गया। इसके बाद संगीता बिजलानी की जिंदगी में एंट्री हुई क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की। साल 1996 में दोनों ने शादी कर ली लेकिन ये शादी कुछ सालों तक ही चली। 14 सालों बाद साल 2010 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों का तलाक हो गया। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब संगीता ने अजहर से शादी की थी तब उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था और उस दौरान उनका नाम हो गया था आयशा। जी हाँ, अपना नाम आयशा रख लिया था संगीता ने। जहाँ एक और इंडस्ट्री में संगीता बिजलानी के नाम से जानी जाती थी तो वहीं शादी के बाद उनका नाम आयशा हो गया। और इस तरीके से संगीता ने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के चलते काफ़ी सुर्खियां बटोरी। भले ही संगीता और सलमान का रिश्ता टूट गया हो लेकिन दोनों की दोस्ती आज भी बरकरार है। आज भी दोनों एक दूसरे के साथ जमकर पार्टी करते हुए देखे जाते हैं। दोनों की दोस्ती की खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिलती है अक्सर पार्टीज में, इवेंट्स में। वेल दोस्तों, इस तरीके से संगीता लोगों के दिलों पर राज करती हुई नजर आई अपनी खूबसूरती के जरिए। जहां एक और बॉलीवुड में कातिल के जरिए कदम रख तो वहीं संगीता ने कई फिल्मों में काम किया और आज के दौर में भी संगीता अपनी खूबसूरती के जरिए राज कर रही हैं। संगीता बिजलानी ने आखिरी बार साल 1996 में फिल्म निर्भय में काम किया था और इसके बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। अक्सर संगीता पार्टीज और इवेंट में नजर आती हैं और आज भले ही वो सिंगल हैं लेकिन अपने ब्लॉग्स के सहारे अपने फैंस से हमेशा ही कनेक्ट रहती हैं। आज के दौर में संगीता रिलेशनशिप्स, डेटिंग और सिंगल लाइफ पर ब्लॉग्स लिखती हैं और इस तरीके से संगीता बिजलानी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। जाने से पहले संगीता बिजलानी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।